तू डॉक्टर है क्या जो साहिल को सब याद दिला देगी? अरे माँ छोड़िए मुझे। रुक, देख 10 लोग हैं उसे संभालने के वास्ते, पूरा परिवार खड़ा है उसके साथ, तू कहीं खुशी जा रही है बीच में है? अपनी शादी को संभाल, सुहाग रात तो चौपट कर दी तूने, अब क्या अपना हनीमून भी बिगाड़ेगी? किसी तैयारी कर रखी है? अरे बस करिए माँ, हर चीज में अपना फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता है। साहिल वहाँ जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि यश ने उससे धक्का मारा। ऐसा भी क्या गुस्सा? अरे नहीं आएगा गुस्सा, क्या तमाशा किया उस साहिल ने तेरी शादी पे, भूल गई क्या? और फिर उसने कौन सा जानबूझकर मारा था उसे, हा? वो तो सब गलती से ही हुआ है ना। सुन के दिखा, बस कर अब, उस लड़के को उसके हाल पर छोड़ दे और अपनी शादी को निभा। ये यश बिगड़ गया ना तो कहीं आ गुस्से में आके हमें उस कबूतर खाने में ना भेज दे वापस। अरे वहां तो एसी भी नहीं है और इस ऐशो आराम के बाद हम वहां कैसे रहेंगे? हद कर दी आप माँ, हद कर दी है। अब ये इश्क की लत भी बहुत बुरी है। जी हाँ, और इसका जीता जागता सबूत मिल जाएगा आपको टीवी सीरियल आपके आ जाने से के सेट पर, जहाँ पर वेदिका ने कर दी है अपनी सुहागरात चौपट और तैयारी है हनीमून का सत्यानाश करने की। और क्यों ना हो, यश ने साहिल को धक्का जो मार दिया है। दोनों की आपसी लड़ाई में गलती से यश के हाथों साहिल को धक्का लग जाता है, लेकिन नतीजतन बेचारा साहिल पहुंच चुका है कोमा में। ऐसे में प्यार में डूबी और तड़पती हुई वेदिका भला साहिल से कैसे दूर रह सकती है? चाहे लाख सासू मां रोकने की कोशिश करे या फिर पति यश अड़ंगे डाले, लेकिन वेदिका को तो जाना है क्योंकि उसे उसका प्यार बुला रहा है। अब कौन रोकेगा वेदिका को? वेदिका की जीवन की ऐसी अनसुलझी गुत्थियों को हम सुलझाएंगे। इसके लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। साड़ी, माय हस्बैंड वांट्स टू सी मी इन अनदर साड़ी। साहिल कोमा में चला गया है क्योंकि थोड़ी सी हाथापाई हुई यश और साहिल के बीच में, और गलती से यश ने साहिल को धक्का मार दिया और साहिल गिर गया और वो कोमा में चला गया। तो ये डॉक्टर ने भी कहा है और वेदिका को भी पता है कि पुरानी यादें या पुरानी चीज़ें, दे कैन हियर, कोमा में जो होता है दे कैन हियर, तो उन्हें पुरानी बातें बोलो या कुछ पुरानी यादें उन्हें याद दिलवाएं, तो शायद वो वापस आने में थोड़ी सी, बिकॉज 24 आवर्स में उसको वापस लाना है, ये पॉइंट है। तो बस वो साड़ी लेके जा रही है साहिल के पास। वो क्या है कि ऐशो आराम और ऐसे पैसे की फिक्र नहीं हो वैसी वाली लाइफ ज़्यादा प्रेफर करती है, तो वो वही बताने की कोशिश करी है कि आज की रात तो तू मत कर ऐसा।